यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पदक जीतने वाले हरियाणा के सभी 22 पदक विजेता खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार इनाम की पूरी राशि से नवाजेगी और खेल मंत्री अनिल विज के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद मोहर लगा दी है, जिसकी जानकारी खुद खेल मंत्री अनिल विज ने दी है। इस मुद्दे पर विज ने ट्वीट करके खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है और जल्द ही एक भव्य समारोह में जितने भी सरकार प्रदेश के चैंपियंस को पुरस्कृत करेगी। और दरअसल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा था और देश को मिले कुल 66 मेडलों में से अकेले ही हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक तिहाई मेडल जीतते हुए 22 पदक अपने नाम कर लिए थे। इसके बाद सरकार ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए बड़ी इनाम राशि का ऐलान किया और बकायदा पंचकुला में एक विशाल समारोह आयोजित भी कर दिया गया था, परंतु अन्य विभागों से खेलने के लिए हरियाणा के खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनाम राशि के आवंटन पर पेज फंस गया था और विज ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उनके द्वारा खिलाड़ियों से जुड़े मसले की फाइल पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने जो खेल विभाग ने सभी खिलाड़ियों को बिना कोई कटौती किए कॉमनवेल्थ के जो खिलाड़ी हैं उनको इनाम देने की फाइल भेजी थी उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और बहुत जल्दी अब खिलाड़ियों को बिना कुछ काटे सभी 22 के 22 खिलाड़ियों को इनाम दिए जाएंगे। बिल्कुल, उस खिलाड़ियों के लिए उनकी जो जो आवश्यकताएँ हैं उनको सबको हम पूरा करें।